वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ सुष्मिता। आज मैं जैकलिन फर्नांडिस इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और मैं किसी भी तरह से जैकलिन की तरह नहीं दिखती, मैंने बस उनके इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करने का कोशिश किया है। उसके लिए मैंने पहले गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम लिया है फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। देन फाउंडेशन के लिए मैं लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड 4, जो मेरे स्किन टोन के साथ मैच करता है। ये फाउंडेशन स्पैटुला के साथ आता है तो ये कुछ भी मेसी नहीं करता है। स्पैटुला को मैं डॉटेड फॉर्म में उसको फेस पे लगा के देन डैम्प स्पंज के साथ फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और उसके बाद फेस पे लगाने के बाद जो लेफ्ट ओवर फाउंडेशन स्पंज में होगा उसको मैं अपने नेक एरिया पर भी लगा रही हूँ। अभी मैं एन वाई बे का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फॉर हाइलाइटिंग इन द शेड, इट्स इन द शेड कॉफ़ी प्रिट्सल। कंसीलर को भी मैं उसी सेम स्पंज से जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था उसी से ही मैं कंसीलर को भी अपने स्किन में ब्लेंड करूँगी। देन दोबारा उसी कंसीलर को मैं अपने डार्क स्पॉट्स जहाँ पे पिंपल मार्क्स रह गए थे वहीं पर मैं उसी कंसीलर को लगा रही हूँ और फिर से उससे ब्लेंड करूँगी ताकि एक अच्छा कवरेज मिले। आई मेकअप के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड रोज़ इन द एयर पैलेट से वो पिंक शेड को अपने आउटर कॉर्नर में लगाया। उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन का इनक्रेडिबल पैलेट से एक गोल्डन शेड को अपने आईलिड्स पे अपने फिंगर्स के हेल्प से ही लगा रही हूँ और उसे अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी। देन मैं उसी वेट एंड वाइल्ड के सेम पैलेट से वही पिंक कलर से फिर से उसके साथ दोनों कलर्स को अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे, और उसके बाद अपने लोअर लैश लाइन में भी उसी पिंक शेड से मैं एक स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ। देन मैं मेकअप रेवोल्यूशन के उसी पैलेट से एक डार्क ब्राउन शेड से अपना आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ। पैलेट में भी मैं उसी गोल्डन शेड को लगा के उसे अच्छे से मिक्स करूँगी वही ट्रांजिशन शेड के साथ। फिर मैं स्टेक वर्की का आईलाइनर ले रही हूँ, और उस पिक्चर में जैकलिन का उसमें उतना थिक आईलाइनर नहीं था इसीलिए मैं भी एक थिन लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। फिर मैं उसी पैलेट से एक हाइलाइटिंग शेड से अपने इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट करूँगी। इनर कॉर्नर्स के बाद मैं अपने ब्रो बोन को भी हाइलाइट करूँगी उसी सेम हाइलाइटिंग शेड से। देन आई मेकअप के बाद मैं कॉन्टोरिंग करूँगी विथ एन बाई बे कॉन्टोर इन द शेड टोस्ट, शेड नंबर इज 7। इस शेड से मैं अपने यूजुअल एरियाज अपने फेस और नोज को कॉन्टोर करूँगी। नोज को मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिंगर से ही कंफर्टेबल लगता है और वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो देर इज़ नो नीड ऑफ ब्रश एक्चुअली, इफ़ यू डोंट हैव देन यू कैन यूज़ योर फिंगर्स एंड इट विल ब्लेंड वेरी नाइसली। मैं अपने फेस को मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट से सेट कर दूंगी क्योंकि जो कॉन्टोर जो मैंने किया था वो एक क्रीमी बेस में था, क्रीमी फार्मूला है उस कॉन्टोर का, उसी के लिए कॉम्पैक्ट से उसको फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। फेस को सेट करने के बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन इन द शेड 503।
ब्लश को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं मेकअप रिवोल्यूशन की उसी पैलेट से हाइलाइटिंग शेड से अपने चीक बोन्स को हाईलाइट करूँगी। देन पिक्चर में जैकलिन ने एक बहुत ब्राइट रेड लिपस्टिक लगाया था, उसके लिए मैं NYBA का एक शक्ति लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड हैपनिंग हिप हॉप 9 एक बहुत ब्राइट रेड लिपस्टिक ले रही हूँ। फेस मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं अपने लैशेस को एक आईलैश कर्लर से कर्ल करके उसके बाद मैं उसमें मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का थिक एंड थिन वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा। एंड दिस कंप्लीट्स आर मेकअप लुक। मैंने फॉल्स आईलैशेस ऑफ कैमरा अप्लाई किए थे एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। If you guys liked my video, do like, share and subscribe to my channel and comment down below how did you like this look so that I can come up with more such videos. Till then, bye and see you.